भाई सर, कैसी लगी आपको मणिकर्णिका? मुझे पहला हाफ तो बहुत ही बकवास है और बहुत गलत तरीके से किया गया है, और इसका स्क्रीन प्ले जो है बहुत उल्टा सीधा लिखा गया है। दूसरे हाफ में मतलब कि सस्टेन करती है, मैं तो बड़ा उम्मीद से आया था क्योंकि मुझे लगता था कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे इतिहास का एक चरित्र रहा है उसके ऊपर एक कहानी है, और ये लोग बड़े शौक से प्रेम से लिखेंगे और प्रेम से बनाएंगे। लेकिन इन लोगों ने उतने बढ़िया ढंग से बनाया नहीं है इसे। अच्छा। जो जिन चीज़ों पे अपना समय नहीं इनको बिताना चाहिए था, और वो अननेसेसरी चीज़ें इन लोगों ने डाली हैं, तो इसकी वजह से मुझे पहला हाफ तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। दूसरे हिस्से में थोड़ा बहुत सस्टेन करती है, स्क्रीन प्ले बहुत बकवास है। और लेकिन कंगना रनावत का काम कैसा है सर? अब कंगना रनावत को जो है बार बार खूबसूरत दिखाने की कोशिश की जा रही है, दुनिया भर के गहने वहने सब पहनाए जा रहे हैं। अब उसमें जैसे कि हम लोग जो कहानी जानते हैं महारानी लक्ष्मीबाई की, जो कहानी जानते हैं उस कहानी के हिसाब से जब वो झांसी आई तो उन्होंने तैयार किया वहाँ नौजवानों को, बच्चों को लेकर उन्होंने तैयार किया झांसी को लड़ाई के लिए। जी। अब वो सारे एलिमेंट्स इतने सुंदर एलिमेंट्स थे, उनका इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। अच्छा। वो जो ज़रूरी नहीं था और गलत एडिटिंग और गलत आपको क्या स्टोरी गलत लगी थोड़ा सा? मतलब जो हकीकत है, इतिहास है, इतिहास जो हम लोग जानते थे, जो मुझे लगता है कि फिल्म में अगर उन एलिमेंट्स को, उन तत्वों को ये लोग लाए होते तो फिल्म और भी प्रभावशाली हो जाती, वहाँ ये लोग मिस कर गए हैं। स्क्रीन प्ले जो है उसको मैं बहुत दोषी देता हूँ, दोषी मानता हूँ इसमें। और दूसरा दोष जो है डायरेक्शन का भी है। अच्छा। अब जो भी कारण रहा हो, डायरेक्शन में और स्क्रीन प्ले में जो महत्वपूर्ण, और अब हम सब लोग जानते हैं, अब जैसे कहीं मैंने पढ़ा किसी ने ट्वीट किया था कि साहब क्या याद ताज़ा होगी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो भावना पैदा करेगी क्या? अब उसमें वो सारे एलिमेंट होते तो भावना पैदा होती। अब सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता किसी ने पढ़ी होती तो उस हिसाब से उसको डेवलप किया होता, लेकिन यहाँ किसी को कुछ उसका पढ़ा नहीं था, अपने तरीके से कुछ भी हुलजुल लिखा लोगों ने। जो बाकी पहले हिस्टोरिकल फिल्में, हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स पे जो पीरियड फिल्में बनी हैं उनसे उन्होंने एलिमेंट्स उठा के अननेसेसरली उसको डाला, और जो कहानी एक बहुत ही बांध सकती थी, जो आपको एंटरटेन करने के अलावा जो है आपको देशभक्ति की भावना से भर सकती थी, वो ये चूक गए। अब क्यों चूक गए, कैसे ऐसा हो जाता है, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन इसमें एक चीज़ है, मतलब चाहे कहानी जो भी दिखाई, एक सेक्रीफाइस दिखाया है। हाँ। मतलब पुराने ये इसीलिए दूसरे हाफ में जो है ये कहानी जो है लोगों को बांधेगी, लोग उसका आनंद उठाएंगे जब वॉर सीन्स शुरू होते हैं। हाँ। और वहीं वो एक सेविंग ग्रेस है जी। नहीं तो इन लोगों ने सब कुछ तामझाम करने के बावजूद भी कम से कम पहला हाफ मेरे ख्याल से पूरी तरह से वेस्ट किया गया। अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर भी अब चूंकि ये महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर है तो हमारे ख्याल से सारे हिंदुस्तानियों को इसको देखना चाहिए। मैं मूलतः इस बात में विश्वास रखता हूँ कि कभी कोई राष्ट्रवाद और देशभक्ति कोई फिल्म होती है तो उसको हमारे देश के लोगों को देखना, अपने पूरे परिवार को ले जाके उन फिल्मों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उसको पूरी तरह से भूल गई है। और जो आजकल के जो लेफ्ट लिबरल जो ब्रिगेड है उसका ये रहता है कि साहब ये जिंगोइज्म वो जिंगोइज्म, वो गले में LGBT कैंपेन का तो तख्ता टांग के घूम सकते हैं, लेकिन देशभक्ति का तख्ता टांग के घूमना लोगों को बहुत गलत लगने लगता है, उन लोगों को शर्म, उसमें शर्म आने लगती है। इसीलिए देश के सारे लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए, और कम से कम लोगों के अंदर ये इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए कि हमारे जो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनके बारे में जाने। और आजकल दुनिया भर की चीज़ें उपलब्ध हैं इंटरनेट पे, उनके बारे में जाने, समझें, और ये जाने कि ये देश किस लिए हज़ार साल तक गुलाम रहा, उसका कारण क्या था, जो आपस में अपने ही अंदर घर में जो है देशद्रोही जो पैदा होते थे उनकी वजह से ये देश हज़ार साल तक गुलाम रहा। तो ये एहसास सबको होना चाहिए कि क्यों गुलाम रहा और आगे भी कैसे गुलाम हो सकता है, क्योंकि वो परिस्थितियाँ भी ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी भी हम बार बार देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं जो दिखाती हैं कि हम दोबारा भी गुलाम हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो शिक्षा देने के लिए हमारे ख्याल से सारे परिवार को जाके देखना चाहिए, एक सम्मान देने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई को उस कारण से भी। लेकिन हमारे ख्याल से उतना ही सम्मान इस फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर को, इस चरित्र को देना चाहिए था, इस महान ऐतिहासिक हमारी जो आइकॉन है उनको उतना ही सम्मान देना चाहिए था। स्क्रीन प्ले पे बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए था, डायरेक्शन सुंदर करना चाहिए था, और हर तरीके से सोच समझ के बहुत मेहनत करके और फिल्म को बनाना चाहिए था। उन लोगों ने उतना प्रयास नहीं किया है।
अब ये क्यों नहीं किया ये मेरी समझ में नहीं आता। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मैं तो ये मान के चलता हूँ कि बॉलीवुड के अंदर ये जो हिस्टोरिकल सब्जेक्ट हैं, हमारे माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट हैं, बॉलीवुड को उनको हमारी उनको हमें नेशनल धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर जो है अनाउंस कर देना चाहिए कि भाई उस पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो बहुत पूछ पाछ के 20-25 लोगों की एक कमिटी बने, उनके सामने स्क्रिप्ट सबमिट करिए, इसके बाद उस फिल्म पे आप काम करिए, वो जिससे कि गलत तरीके से उसको नहीं प्रेजेंट किया जाए। लेकिन फिर भी हमारे ख्याल से देश के लोगों को ये देखना चाहिए, और एक देशभक्ति वाले गाने तो अभी भी उसमें बड़े प्रेरक हैं, आपके मन के अंदर जो भावना पैदा कर देते हैं। लेकिन बाकी जो उलझल उलझ चीज़ें की गई हैं वो दुखी भी करती हैं, क्योंकि हमें वो अपेक्षा नहीं थी। तो देखें लोग जाके फिल्म को, लेकिन ये फिल्म बहुत बेहतर हो सकती थी। कितने स्टार देंगे सर? मैं इसको एक फिल्म समीक्षक के नाते तो 2.5 स्टार दूंगा। अच्छा। लेकिन बाकी लोगों से ये कहने के लिए कि साहब आप जाने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उसके लिए जो है ज़्यादा स्टार भी दिया जा सकता है, लोग जाके देखें इसको। मैं एक बार देखना देखना चाहिए, एक बार जरूर देखना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मणिकर्णिका, हाउ इज द मूवी? द मूवी वॉज गुड, बट आई वॉज मोर इम्प्रेस्ड विद द सेकेंड हाफ रादर देन द फर्स्ट हाफ। The movie was good, but I was more impressed with the second half rather than the first half. But overall, the movie was good, and Kangana, as usual, was brilliant. And what about the direction in the movie? Direction. I felt that the screenplay could have been better, and थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा था कुछ जगहों पर, थोड़ा यू नो द कैरेक्टराइजेशन कुड हैव बीन मोर रियल, एंड देयर वर नो नीड ऑफ सम यू नो एक्स्ट्रा सॉन्ग्स, एंड यू नो थोड़ा ओवरलोड हो गया इन सम एलिमेंट्स, बट ओवरऑल द एग्जीक्यूशन वाज नाइस, एंड द कॉस्ट्यूम्स, द सिनेमाटोग्राफी वाज वेरी नाइस। ओके, एंड व्हाट अबाउट द म्यूजिक? द म्यूजिक स्पेशली द सॉन्ग विजय भव वाज वेरी नाइस, यू नो इट वेंट वेल विद द sequence when it was depicting the bravery of the women, but the other songs I expected better, you know, considering it is a period film, the songs could have been much better. So would you like to give your views that you know people should go and watch this movie? Definitely, because the Republic Day is coming, and I think it will strike a chord with the audience. It will give the patriotic vibes obviously, and obviously for the as a tribute to you know Rani Lakshmibai, obviously people should watch. Okay, how many stars would like to give? I'll give it three stars. Okay, thank you. कैसी लगी सर मणिकर्णिका? मणिकर्णिका फिल्म मुझे अच्छी लगी। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि कंगना रनावत का जो रोल है बहुत ही अच्छा रोल है। इनफैक्ट लाइक इट्स अ टेरिफिक एंड एक्सीलेंट रोल बाय हर, नॉट ओनली एज एन मतलब इन एक्टिंग वाइज, हर डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी गुड यू कैन से, और लुक वाइज वो शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एज रानी लक्ष्मीबाई, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है, और उनकी जो फाइट सीन है, स्वॉर्ड फाइटिंग वगैरह है, ये है तो वो उसमें काफ़ी कमाल है, और हर एक फ्रेम में नज़र आ रही है कि उनकी जो मेहनत उन्होंने इस फिल्म के पीछे उन्होंने डाला है, तो डेफिनेटली एक आउट एंड आउट एंड एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है कंगना रनौत के लिए। बात करते हैं अंकिता लोखंड की, उनकी डेब्यू फिल्म है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं मिला है उनको एक्चुअली, पर जहाँ जहाँ वो दिखाई दी उनकी उनकी एक्टिंग इस काबिल तारीफ अच्छी है। डैनी है, डैनी का भी जिस तरह से रोल है वो ओके है, कुलभूषण करवंदा है, पर आप कह सकते हैं कि ये पूरी फिल्म राइट फ्रॉम द बिकॉज उन्हीं पूरी उन्हीं की बायोपिक है एक्चुअली, हिस्ट्री है, लोगों को पता होगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने जो हिस्ट्री में रीड किया था, मगर यहाँ पर उनकी लाइफ के बारे में उनकी पूरी जो जर्नी है वो किस तरह की थी वो उसको दिखाया गया है। फिल्म इंटरव्यू से पहले क्वाइट स्लो थी इनफैक्ट, लेकिन ऐसा थोड़ा थोड़ी सी ड्रैग हो रही थी ऐसे लग रहा था, थोड़ा चार्ज होती थी वापस से थोड़ी डाउन हो जाती थी, मगर इंटरवल के बाद अगर अब आप कहो तो फिल्म बहुत ही मज़ा आई, खास करके जो लास्ट की कुछ फाइट सीन्स हैं जो कंगना रनौत ने जो खास फाइट सीन जो किए वो तो बहुत ही अच्छे, कहीं कहीं डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। स्क्रीन प्ले कैसा है?
वही बता रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे और उसको एडिट कर दिया जा सकता था। कहीं कहीं पर कुछ कुछ जगह पे शायद थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही थी, बट ओवरऑल जैसे कहूँ ना कि वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फॉर कंगना रनौत, यू कैन से। तो आप ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे, देखना बनता है हॉल में? डेफिनेटली वन टाइम 100 एक टाइम तो यू कैन ऑलवेज सी फॉर कंगना रनौत है। कंगना रनौत शी लुक्स सो ब्यूटीफुल, रानी लक्ष्मी बाई की कहानी है, हम लोग जानते हैं ये क्या था और ऐसी क्या थी हिस्ट्री में, ऐसे ऐसे क्या क्या चीज़ें होती है। ब्रिटिश का टाइम था, 1828 की कहानी, हमने 120 साल पहले की थी। उस वक्त अंग्रेज़ को देश से बाहर निकालने के लिए मतलब जो लोगों ने अपना पूरा खून और बलिदान दिया, जनक की कुर्बानी दी है, वो डेफिनेटली इट्स अ सल्यूट। और एक औरत होकर, एक औरत होता है, इतनी बहादुर थी वो एक्चुअली, जी जी, तो डेफिनेटली वो जो पेट्रियटिज्म है एक्चुअली, तो वो उसके लिए तो फिल्म एक बार देखना तो ज़रूर बनता है। 26 जनवरी भी आ रही है तो बिल्कुल बनता है। जी हाँ बराबर, वो एक जज्बा पैदा तो करती है कि वो जैसे कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो हमने साक्षात मतलब स्क्रीन पे देखा है, वी कुड रियली फील वो दैट, कि वो जो एक कैरेक्टर था जो रानी लक्ष्मी बाई का, वो वी कुड सी इन रानी लक्ष्मी कंगना रनौत। ओके, कितने स्टार देंगे सर? मैं 3 स्टार दूंगा इस फिल्म को, और 5 स्टार और 0.5 जो स्टार है 3.5 कर दूंगा कंगना रनौत के लिए। और ये फिल्म जो उन्होंने मेकिंग की है एज ए डेब्यू डायरेक्टर, क्योंकि ये फिल्म इज नॉट एन ईजी फिल्म, बहुत बड़ी कैनवास की फिल्म है, तो उसके लिए 0.5 तो 3.5 करके मैं दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। हाय, कैसी लगी आपको मणिकर्णिका, हाउ इज़ द मूवी? सो मणिकर्णिका मैं बहुत ही मिनिमम एक्सपेक्टेशंस के साथ गई थी देखने, बिकॉज मुझे ट्रेलर बहुत खास नहीं लगा था, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या देखने को मिलेगा। उस हिसाब से मुझे फिल्म बुरी नहीं लगी। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में जहाँ एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ फिल्म का पेस अच्छा लगता है, वहाँ फिल्म देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। सो ओवरऑल आई वुड से आई डिडंट माइंड मणिकर्णिका, एंड कंगना वाज सुपर्ब। Okay, and what about the direction and screenplay in the movie? I did not like the screenplay at all. Really? I did not like the dialogues by Prasoon. I think they were the biggest letdown in the film. But I like the direction. I like direction in action sequences the most. And I've heard that that has been done by Krish. So I think superb job to him. But जैसे जब एक film पे दो directors काम करते हैं तो inconsistency का बहुत बड़ा scope होता है, which I felt wasn't there. So okay. Full marks to the whole team of the film to not make it look inconsistent. Okay. So direction was good in a lot of scenes, but screenplay something I wasn't impressed with. Aur music kaisa hai? म्यूज़िक यार एक ही गाना है, भारत जो गाना है वो बहुत बार बजता है फिल्म में डिफरेंट सीक्वेंसेस पे, कभी कभी वो आपको मूव करता है, कभी कभी अननेसेसरी लगता है, तो म्यूज़िक मुझे बहुत खास नहीं लगा। तो हमारे व्यूवर्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, इस वीकेंड में वो जाके मूवी देखना बनता है उनका? हाँ, देखना, एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि एक बड़े स्केल पे बहुत मेहनत करी है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मेहनत करी है इसलिए देखिए, पर वो मेहनत दिखती है एंड वो इम्प्रेस करेगी आपको मेरे हिसाब से, क्योंकि कंगना का काम बहुत अच्छा है। और अगेन आई से एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं। लोखंडे अपना अंकिता लोखंडे का काम मुझे तो बहुत पसंद आया, वो इतनी कॉन्फिडेंट है, इतनी कंफर्टेबल है कैमरा पे, उन लगी नहीं रखी उनकी फर्स्ट फिल्म में, आई थिंक उनका जो टीवी का एक्सपीरियंस है इट हैज कम हैंडी। डैनी भी बहुत टाइम बाद दिखे हैं। हाँ, डैनी है पर अंडर यूटिलाइज लगे मुझे, उनको जितनी बारी भी जब जब जिस भी सीन में देखो अच्छा ही लगता है, क्योंकि उनमें एक पावर, एक नेचुरल पावर जो वो लाते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, बट आई विश आई कुड सी मोर ऑफ हिम इन द फिल्म। सो कितने स्टार आप दे रहे होंगे? आई थिंक आई वुड गो विद द 2.5। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।